जितने भी मुख्य अतिथि हैं वे दिन प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दूर दराज से हमारे पत्रकार लोग साथी जितने भी गेस्ट आए हैं उनका बहुत बहुत आभार कि आप जयनगर लैब के 5वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस समारोह में सम्मिलित हुए। अभी मीडिया के कार्यक्रम में आप शामिल थे, बहुत सारे वक्ता ने अपनी अपनी बात रखी, आपने भी रखी अपनी बात। मीडिया समाज का अंग होता है, संविधान का तो है ही, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, लोगों की जो समस्या है उसके प्रतिनिधि होते हैं मीडिया, मेरा मानना है। क्या मीडिया अपना मार्ग भटक गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया जिस दिन मार्ग भटक जाएगा उस दिन लोकतंत्र संकट में आ जाएगा। और ये अलग विषय है कि मीडिया का जो विस्तार हुआ है उसके कारण सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत विश्वसनीयता घट गई है। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जाएगा कि पूरी तरह से सोशल मीडिया समाप्त, मतलब पूरी विश्वसनीयता समाप्त है, लेकिन कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया के लोग हैं जो अपने मन से पत्रकार बन जाते हैं और उनका नेचर पत्रकार का नहीं होता है, स्वभाव पत्रकार का नहीं होता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं समाज के कुरीतियों में उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील होगी कि आप इस लोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपकी भूमिका सार्थक कैसे हो, इस दिशा में आपका खबर होना चाहिए और विश्वसनीयता के साथ प्रकाशित होना चाहिए। थैंक यू सर। आप मानते हैं कि सुधार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र परिपूर्ण हो गया, ऐसा होता नहीं है। जब हम काम करते हैं तो गिरते हैं, उठते हैं, संवरते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रयास है। इस युग में मीडिया की सार्थकता काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में हम कितना बढ़िया चीज़ परोस सकते हैं समाज के अंदर, जिससे समाज के अंदर जो विकृतियां हैं उसको हम कम करके समाज की खूबियों को उजागर कर सकें। थैंक यू सर। ऐसे जयनगर लाइव के सुमित राउत जी, पप्पू पूर्वे जी, लक्ष्मण जाधव जी, संतोष शर्मा जी, विवेक सूरी जी एवं उनके तमाम सहयोगीगण और इस सभागार में उपस्थित मैं आदरणीय दुर्गेश जी को देख रहा हूँ, नित्यानंद झा जी को देख रहा हूँ, ललित बाबू को देख रहा हूँ, जगदीश बाबू भी यहाँ उपस्थित हैं, जयनगर के सभी छायाकार पत्रकार मित्रगण, शंभू जी भी हमको लाइव में अपना 5 वर्ष पूरा किया है, उसके उपरांत स्थापना दिवस के साथ साथ उन्होंने एक विषय रखा और विषय है अपने सभी विद्वान वक्ताओं से इस विषय पर उनके विचार को सुना है और उससे जो मुझे लगा है कि इस देश के संसदीय लोकतंत्र का जो संवैधानिक रूप से 3 स्तंभ है सरकार के, जिसको 3 अंग कहते हैं, उसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, 3 तो संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन जब सशक्त लोकतंत्र की बात आती है तो पत्रकारिता उसका 4th स्तंभ अपने कर्म के बदौलत बना है, अपने कर्तव्य के बदौलत बना है, बल्कि परंपरागत रूप से भी उसमें अपना स्थान स्थापित किया है। और परंपरा की बात करें तो पत्रकारिता की परंपरा जब से ये सृष्टि है, अगर देवलोक की कल्पना हम करते हैं और उसको मानते हैं तो देवलोक में भी पत्रकारिता था, उसमें भी 3 लोग के बाद एक 4th स्तंभ नारद जी होते थे जो 3 लोक में विचरण करते थे। उसी परंपरा को कहीं न कहीं स्थापित करते हुए
उसमें मीडिया ने अपना स्थान प्राप्त किया। लेकिन विगत 100 वर्षों को अगर हम दृष्टिपात करें, 50 वर्ष 60 वर्ष जिनकी आयु हो गई होगी, उनका अपना भी अनुभव लगभग 40 वर्ष का, और उनको लगा होगा कि जो वैश्विक परिदृश्य है थोड़ा कमजोर हो गए। बहुत चर्चा अच्छी खासी चर्चा रहती है और अच्छे समाचारों का प्रेषण करते रहते हैं। सुमित राउत जी तो अपना 5वां स्थापना दिवस मना ही रहे हैं, इस अवसर पर उनको बधाई दिए बगैर मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर अगर आप सब ना आए होते तो आज ये कार्यक्रम इनका सार्थक नहीं होता। कितना भी वक्ता यहाँ जमा हो जाए लेकिन श्रोता के बिना, वैसे आप श्रोता हैं नहीं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए लोग वक्ता, ये मैं मानकर ही बोल रहा, लेकिन धृष्टता करनी थी क्योंकि यहाँ से आदेश मिला था, पत्रकारों से जुड़ा कार्यक्रम था उसमें आप भी थे, वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, आप भी रखे अपनी बात, सभी लोगों ने सुझाव दिया कि मीडिया में कहीं ना कहीं कमी है, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया अपने काम से अपने दायित्व से भटक गया हुआ है? जी, सबसे पहले आप सबको, जितने भी मीडिया कर्मचारी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, सच्चाई का सामना करके उसके सामने में प्रत्यक्ष रूप से काम कीजिए, ना कि किसी व्यक्ति के रूप से पूजा कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी मीडिया बंधु हैं, सबसे मेरा हाथ यह है, विनती है कि किसी के पीछे ना जाके उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर प्रतिदिन है तो उनको नकदी होता है, लेकिन अगर मीडिया है तो उनको किसी चीज़ की भाई नहीं है, उनको समाज में जा करके उनको जागरूक करना और सच्चाई का सामना करना। ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक का काम छोड़ करके मीडिया सरकारी मशीनरी के पीछे लगी रहती है? मेरा ये कहना नहीं है कि सरकारी काम छोड़ करके पंचायत में जाए, मेरा ये कहना है कि अगर सरकारी काम को भी देखती है तो पंचायत में भी जा करके देखे कि निगरानी रखने का काम करे, और जो प्रत्यक्ष काम हो रहा है, अगर ब्लॉक में हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, जिला में हो रहा है, तो उसको देखे कि अगर वो पेपर पे है तो क्या धरातल पर उतरा हुआ, ऐसे ही पेपर पे ही जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमको ये बताइए कि वर्तमान समय में मीडिया की जो भूमिका है, भाषण में हमने सुना लोगों से, आपसे भी सुना हमने, कि मीडिया अपना काम छोड़ करके सरकारी मशीनरी के पीछे लगी रहती है, क्या कहना चाहती है आप? मीडिया अपना काम छोड़, मेरा कहना कि मतलब कि जनता का वर्क होना चाहिए, जनता का काम नहीं करके वो सरकार की मशीनरी को सपोर्ट करने में लगी हुई है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बोला जा रहा है तो ये सारा काम जन क्या कहते हैं मीडिया कर्मी करते हैं, और मीडिया का वाहवाही नहीं होता है, हर आदमी सुझाव देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं? हाँ तो कौन मीडिया को सुझाव देने का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप गलत है, तभी तो आपको सुझाव मिल रहा है। नहीं, सुझाव देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं तो आगे मीडिया से सीख पा रहे हैं। हम लोग कैसे, हम लोग घर पे रहते हैं, कैसे खबर हो कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, ना ठंडा ना सका होता है, ना गर्मी ना बारिश, सब ये सबको ना देखते हुए भी हमारे मीडिया कर्मी हर जगह पहुंच जाते हैं। यानी मीडिया अपनी चुनौती को फेस करने के लिए तैयार है, ये करना आपका तैयार है। क्या कहना चाहेंगे मीडिया की भूमिका को, क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया अपना काम सही काम कर रही है? जी सर, जयनगर में जो मीडिया कर्मी है और जयनगर की जो भी आवाज बुलंद करते हैं मीडिया कर्मी, उसमें बहुत कुछ सही कर रहे हैं, और कुछ ऐसे चुनिंदा पत्रकार जो है सो अपने कार्यों के लिए राज्य स्तर पर जाने जाते हैं, और कुछ ऐसे निम्न स्तर के पत्रकार हैं जो मीडिया को नाम को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। हमने देखा है जितने लोग मीडिया के बात किए हैं तो सब लोग उनको सुझाव दिए हैं कि यहाँ सुधार करने की जरूरत है, वहाँ सुधार करने की जरूरत है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल कहीं हम लोग सुझाव की जरूरत नहीं, कुछ ऐसे पत्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो लिफाफे में बिक रहे हैं, जी वैसा लोग उन लोगों को सुधार करने का, जी उसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग लगातार, हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन से, और हम लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं, कुछ पत्रकार है जो हम लोगों का खबर नहीं छापते हैं,
जैसे उन लोगों को पैसा चाहिए या लिफाफे चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं पैसा पर कहीं कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग खबर को अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। शशि जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज जो जयनगर लाइव के 5वां साल का हो रहा था वो बहुत ही अच्छा हुआ, और यहाँ पे सभी पत्रकार बंधु आज आए हुए थे। जयनगर पत्रकार भारत के चौथे स्तंभ हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो सही और गलत के परख नहीं पाते हैं, जो सही जो चीज़ होती है उसको नहीं छाप पाते हैं। जयनगर में जो बहुत सारी समस्या है उसको सही चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं। तो जैसे हम लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो लिफाफा की मांग करते हैं, लेकिन हम लोग छात्र हैं, युवा छात्र हैं तो कहाँ से दे पाते हैं। लेकिन कुछ बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं जो बिना बेहिचक हम लोग के लिए हर वक्त आवाज़ उठाते हैं, बिना कुछ बोले हुए हम लोग की ज्ञापन छापते रहते हैं, हम लोग की बात पेपर में, प्रिंट मीडिया में बहुत तरह से हम लोग की बात रखते हैं। इसलिए मैं इस पत्रकार बंधुओं को, कुछ एक दो पत्रकार है वो बदनाम करने पर लगे हुए हैं यहाँ के जयनगर के, तो मैं आप ये कहना चाहते हैं कि उनको अपने सुधार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक दो के कारण, जैसे एक आम के कारण पूरा टोकरी बदनाम हो जाता है, इसी के उसी तरह जयनगर के एक दो पत्रकार के कारण पूरा जयनगर के जितने भी पत्रकार हैं वो बदनाम हो रहे हैं। तो उनसे सतर्क हो के जयनगर पत्रकार, तमाम पत्रकार है वो बहुत अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, सही के लिए आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन एक दो पत्रकार ऐसे भी हैं उसमें जो लिफाफा की मांग करते रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। जनप्रतिनिधि है सर, अभी मीडिया से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हुआ किसान भवन में, आप भी थे उसमें, जितने सारे वक्ता थे मीडिया के विषय में प्रशंसा किसी ने नहीं किया, सबों ने कहा कि यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, वहाँ सुधार करने की, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है सर, और उसको सुधार करने की सलाह आप दे रहे हैं, पब्लिक दे रहा है, पब्लिक के लिए काम करता है मीडिया, और पब्लिक उसको सलाह दे रहा है कि आप सही काम नहीं कर रहे, आपके नज़र में कैसा है मीडिया? क्या मीडिया सरकारी तंत्र के आगे पीछे करने में लगी है कि पब्लिक का काम कर रही है? मीडिया सरकारी तंत्र के पीछे में नहीं है, गड़ा हुआ से गड़ा हुआ जो चीज़ है किसी के विरोध का हो लेकिन वो खुलम खुल्ला पर्दाफाश कर देता है, मीडिया का काम है। सरकार को जगाना, चाहे विपक्ष को जगाना, अन्याय अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक मीडिया ही है। सही कब कोई भी आवाज़ उठाता है और गलत करने वाले के भी खिलाफ आवाज़ आता है। मीडिया स्वच्छ है देश का, अगर मीडिया नहीं रहे तो देश बर्बाद। स्वच्छ केवल भावना है कि भूमिका भी है उनकी? भूमिका भी हमारे नज़र में तो है, हम तो देखे हैं, तो हम क्या करें, हमके नज़र में एक ना भूमिका है इसके लिए। आपके अड़ोस पड़ोस के इष्ट मित्र अगर आप, हम पत्रकार हैं तो आप हमको देख करके तो नहीं बोल रहे हैं साहब? नहीं, हम पत्रकार के मुंह देख के क्या बोलेंगे, हमको कोई क्या करे, आप सब आप लोग भी जानते हैं कि हम जो कहते हैं। तो फिर सुझाव देने की क्या आवश्यकता होती है? हमने सुझाव नहीं दिया, हमने कहा आपके सामने में सारे लोगों ने सुझाव दिया है कि मीडिया गलत कर रही है, मीडिया को जो काम करना चाहिए सो नहीं कर रही है मीडिया, पब्लिक का काम नहीं कर रही है मीडिया। वही लोग कहा है, जो लोग खाता है गजाइज करता है वही लोग मीडिया के शिकायत किया है, हम शिकायत करने वाले में नहीं से प्रशंसा भी तो नहीं किए सर आप? हम प्रशंसा किए, हम कहे मीडिया के लिए रूम होना चाहिए, अगर चंदा भी करना पड़ेगा हमको, चंदा भी सिर्फ प्रेस मतलब प्रेस रिपोर्टर के बारे में बोले हैं और अच्छा अच्छा बोले हैं। अच्छा क्यों बोले सो बताइए? क्योंकि हमको अच्छा काम करते हैं इसलिए लगता है, इसलिए हम अच्छा बोले हैं। मुखिया जी आप सिर्फ दो शब्द सुनेंगे, आप तो लेट आए थे लेकिन आपसे दूसरा दिन सुनेंगे, वर्तमान समय में उनका मीडिया की जो भूमिका है इससे आप कितना संतुष्ट है? आपको ध्यान, जनता के कार्यों को कितना देख पा रही है मीडिया, हमारे जैसे लोग? हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से लोग लिप्त हो रहा है, अगर मीडिया नहीं होता तो बहुत ऐसा चीज है जो नगन हो जाता। मीडिया को, हमारे जैसे व्यक्ति को पिट्ठी थपथपा करके धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह जो है सो बहुत किनारे बात को आगे लाता है, उस पर पदाधिकारी प्रशासन से लेकर नेता तक को ध्यान दिलवाता है, इसीलिए मैं उसे भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वह ऐसे पत्रकार आगे और समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करे। क्या आप ऐसा मानते हैं कि मीडिया अपना जान पर जोखिम लेकर के वो चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहा है? जी 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 है, एक मैं इसमें कहीं कोताही नहीं, एक मर्डर हो गया कापड़ी का, यहाँ से लेके पटना तक सारा मंत्री सारा SP DM दुनियादारी कहा, आज तक वो बात को पता नहीं लगाया, और हमको मीडिया से रूबरू रहता है, मीडिया लगल है आज न कलू
फलश करेगा जी। धन्यवाद सर, थैंक यू।